हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर क्विक एंड इफेक्टिव कर्व फेशियल, जिसे मिलेगी आपको एकदम सॉफ्ट, सपल, यूथफुल एंड ग्लोइंग स्किन। एंड इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपको अपनी किचन में ईजिली मिल जाएंगे। एकदम 100% नेचुरल DIY फेशियल है ये, एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप वालों को ये सूट करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये फेशियल कंप्लीट होगा चार स्टेप्स में, एंड चारों स्टेप्स के लिए हमें सबसे पहले बनाना है क्लेंजर, एक्सफोलिएटर, मसाज क्रीम एंड फेस पैक। तो ये चारों चीज़ें हम बना लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कर्ड हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो कर्ड में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, कैल्शियम, इसेंशियल फैट्स, प्रोटीन्स, अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड्स, विटामिंस एंड मिनरल्स। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इससे हमारी स्किन सॉफ्ट, नरिश, सपल और यूथफुल बनी रहती है। एंड अगर हम कर्ड को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो बहुत सारे और छोटे छोटे जो स्किन इश्यूज होते हैं, लाइक डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, सन बॉन्स, ब्लेमिशेज, ये इसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कर्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एंड साथ ही साथ हमारी स्किन पे ग्लो भी लेकर आता है। सो कर्ड इज़ एन ऑल अराउंड ब्यूटी मल्टीटास्कर। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग। तो इसके लिए हम बनाएंगे DIY क्लेंजर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको लेना है 1 टीस्पून कर्ड या योगर्ट, थिक कर्ड होना चाहिए, ज़्यादा पानी उसमें नहीं होना चाहिए, और 2-3 ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड करनी है लेमन जूस की, एंड दैट्स इट। आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड हमारा जो क्लेंजर है वो रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएशन, एंड इसके लिए हमें बनाना है स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, यानी कि मक्की का आटा। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं ये ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पर आप राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, ओट मील, या फिर आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो आप ले लीजिए। और आपको 1 टीस्पून लेना है जो भी आप ले रहे हैं, और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कर्ड, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एंड स्क्रब हो जाएगा रेडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस मसाज, एंड इसके लिए हमें चाहिए मसाज क्रीम। तो इसे बनाने के लिए मैं लूँगी अराउंड 1 टीस्पून ऑफ कर्ड। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है अराउंड 1 टीस्पून ऑफ हनी, यानी कि शहद। तो ये एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड, प्योर ऑर्गेनिक हनी है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है जस्ट अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो बेस्ट है। मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने अपनी जो कुकिंग में यूज़ होती है हल्दी, वही यूज़ की है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और बहुत अच्छी सी मसाज क्रीम रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस क्रीम को रेफ्रिजरेटर में आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, एंड 10-15 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी, एंड आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप इज़ फेस पैक, एंड इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी रोज़ पाउडर। ये जो ड्राइड रोज़ पेटल्स होते हैं उसका पाउडर है, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, एंड ये प्योर ऑर्गेनिक रोज़ पाउडर है। आप चाहें तो कोई और पाउडर भी ले सकते हैं, लाइक नीम पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सिंपली बेसन में, ये आटे में भी आप इसे मिक्स करके दही को फेस पैक बना सकते हैं। तो जस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है रोज़ पाउडर, उसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून ऑफ कर्ड, और एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद कई बार हमारी जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन पहले ही ऑयली है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इस कंसिस्टेंसी का जो फेस पैक आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो लगाने में भी ईजी होगा, एंड इसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो चारों चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फेशियल। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, सिंपली पानी से रिंस कर लीजिए, या फिर आप कोई भी वेट टिश्यूज ले सकते हैं, वेट वाइप्स लेकर अपना फेस क्लीन कर लीजिए, जितनी भी डर्ट्स, इंप्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी आपके फेस से। तो मैं भी अपना जो एक वेट टिश्यू लेके अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, इससे थोड़ा सा फेस वेट भी हो जाता है, तो जो फर्स्ट स्टेप आप करेंगे उससे आपको जो है इसे अच्छा रहेगा। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी क्लेंजिंग। तो हमने जो क्लेंजर बना
बनाया था कर्ड और लेमन जूस का, ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, नेचुरल है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप चाहें तो लेमन जूस स्किप भी कर सकते हैं, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है लेमन जूस। बट इसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स ही डाले हैं लेमन जूस के, तो आपको ज़्यादा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप अगर ऐड करते भी हैं तो ये आपको अच्छे बेनिफिट्स ही देगा। तो कर्ड और लेमन जूस का जो कॉम्बो है ना, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेमन एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू लाइटन द डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग। और कर्ड जो होता है वो नेचुरल क्लेंजर होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जिंक होता है, जितनी भी इंप्यूरिटीज होती हैं, डर्ट होती है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, एंड आपको मिलती है क्लियर क्लीन स्किन, एंड इससे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बूस्टअप होता है। तो बहुत अच्छा क्लेंजर है ये, इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाइए, मसाज करिए, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। नो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएशन, और एक्सफोलिएशन के लिए हमने जो स्क्रब बनाया है उसमें है कॉर्नफ्लावर और कर्ड। तो कॉर्नफ्लावर यानी कि मक्की का आटा बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है, बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होता है आपकी स्किन पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉर्नफ्लावर को यूज़ करना अपनी स्किन के लिए। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक इसमें प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, देन इसमें विटामिन ए भी होता है जिसकी वजह से जितने भी डार्क पैचेज हैं, सन स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, वो रिमूव होती है। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स और इमिनो एसिड्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसमें ग्लो आता है, हेल्दी रहती है, एकदम स्मूथ हो जाती है स्किन, क्योंकि इससे जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं, एंड बहुत ही स्मूथ हो जाती है स्किन इसे यूज़ करने के बाद। तो पहले मैंने अपने हाथों से इसे स्क्रब कर लिया, उसके बाद मैं जो सिलिकॉन की स्क्रबी है इससे स्क्रब कर लूँगी अपने फेस को अच्छे से, और कुछ 1-2 मिनट तक ही स्क्रब करना है और बहुत ही स्लो करना है। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है बट आपको बहुत स्लो करना है, और अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। सो इस स्टेप के बाद मेरी स्किन हो गई एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और सपल, और जो वाइट हेड्स वगैरह भी थे वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो गए थे। तो ये मेरा फेवरेट स्क्रब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इसे एंड मेरे साथ रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है फेस मसाज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि फेस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, नरिशमेंट मिलती है आपकी स्किन पे, तो एक ग्लो भी मिलता है आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा सा। तो इस क्रीम में है कर्ड, हनी और टर्मरिक, और ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं आपकी स्किन के लिए। कर्ड में कैल्शियम होता है जिससे आपकी स्किन काफ़ी लंबे टाइम तक नरिश रहती है, डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं होती है, ड्राइनेस फील नहीं होगी आपको अगर आप इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हनी है जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ग्लो देता है आपकी स्किन को, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके एक्ने पिंपल्स को कंट्रोल करता है, अगर आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, उसको भी ये ठीक रखेगा, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को ये डिले कर देता है। तो इस क्रीम को अच्छे से अपने फेस पे लगाइए, मसाज करिए, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छे से मसाज कर लीजिए, और धीरे धीरे जैसे आप मसाज करेंगे ना, आपको ये क्रीम जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे, और स्टिकी स्टिकी फील होगी, इट मीन्स आपको अभी अपना फेस वॉश कर लेना है। तो 10-12 मिनट तक आपको मसाज करनी है, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। नो द लास्ट स्टेप इज़ फेस पैक। तो मैं आज अपनी फिंगर से ही लगा रही हूँ फेस पैक, जनरली मैं यूज़ करती हूँ ब्रश का, बट आज मेरा मन किया कि चलो फिंगर से ही लगा लेते हैं, तो मैं इवनली इसे अपने फेस पे लगा लूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। एंड गाइज, इस टाइम मुझे छींक आ रही थी बिकॉज मुझे हो रखा था कोल्ड, बट छींक आई नहीं। एनीवेज, हमने इस फेस पैक में ऐड किया है रोज़ पेटल पाउडर जिसमें विटामिन सी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स से फाइट करता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और वो भी देता है आपके फेस के ऊपर। तो मैंने इसे लगा लिया, और कुछ 10-15 मिनट लगे इसे ड्राई होने में, ये ड्राई हो गया अच्छे से आप देख सकते हैं, और इसे पहले मैंने हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही रिमूव कर लिया, और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। तो फेशियल के सारे स्टेप्स हो गए हैं कंप्लीट, और लास्टली आपको क्या करना है, आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, क्रीम लेनी है, और उसे अप्लाई ज़रूर करना है। तो लास्टली आप बिल्कुल मत भूलिए कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो है मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, नरिशमेंट मिलेगी आपकी स्किन को। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल ली है, उसे अप्लाई कर रही हूँ, मुझे एलोवेरा जेल अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे, और उसके बाद मैं लूँगी अपना फेवरेट फेस मसाज टूल, दैट
दैट इज जेड रोलर, और इसे अपने फेस पे मसाज करूंगी, चीक्स पे, आईज के पास, नेक के पास। तो इसे कैसे मसाज करते हैं अपने फेस पे, इसका डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया है, आपको लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से मसाज में कर लूँगी, और ये बहुत अच्छा टूल है गाइज, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसे लीजिए और यूज़ करिए। फेशियल के बाद स्पेशली इससे मसाज करना बहुत अच्छा होता है, जितने भी आपके जो फेशियल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग आपको फील होगा इससे मसाज करने के बाद। तो आप इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करिए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। सो गाइज, ये कर्ड फेशियल आपको देगा इंस्टेंट ग्लो, तो आपको पार्लर में जाकर महंगे महंगे फेशियल्स पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन दिस सिचुएशन। तो आप बिल्कुल बाहर मत जाइए एंड घर पर बैठकर ये फेशियल करिए। एंड ऐसा नहीं है कि बाहर जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो ही हमें फेशियल करना है, नो, हमें घर पर बैठकर भी अपनी स्किन केयर करनी है, स्किन को हेल्दी रखना है। आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मैंने तो कर लिया अपना फेशियल, अब आपकी बारी है, ट्राई करिए इसे एंड इसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, कैसा लगा है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।